सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक एनर्जी ड्रिंक को। सो उससे पहले लेट मी प्लेस माय स्टीयरिंग ट्रे। एंड जिस एनर्जी ड्रिंक को हम रिव्यू करने वाले हैं वो है स्टिंग। तो आइए चलिए देखते हैं ये कौन सी कंपनी की है, कैसा है इसका टेस्ट, कलर तो इसका काफी फैसिनेटिंग है, और क्या है इसका प्राइस, क्या है इसकी क्वांटिटी, और क्या ये वर्थ है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्रांडिंग। अगर दिखाऊं तो इट्स स्टिंग एनर्जी। इसका कुछ टाइम पहले एड्स आने शुरू हुए थे, इसमें लिखा हुआ है स्टिमुलेट्स माइंड, एनर्जाइज बॉडी। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है एनर्जाइज बॉडी, स्टिमुलेट्स माइंड, एंड पर सर्विंग 250 ml, एनर्जी इज 70 kcal, एंड प्राइस है इसका 20 rupees फॉर 250 ml, विच इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंप्रेसिव, वेरी कंपिटेटिव। और अगर हम देखें और कुछ ज्यादा इसमें ऐसा लिखा नहीं है, बाकी इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ के आपको बताते हैं। सो न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, सो पहले मैं आपको बताता हूं एनर्जी ड्रिंक होती क्या है। एनर्जी ड्रिंक बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसमें थोड़ा सा शुगर होता है, कार्ब्स होते हैं थोड़े से, और हाई ऑन कैफीन होता है। सो एनर्जी ड्रिंक्स लिया क्यों जाता है, बेसिकली एनर्जी ड्रिंक लिया जाता है फोकस करने के लिए। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मुझे इस एनर्जी ड्रिंक की जो बात लगी वो लगी इसका प्राइस पॉइंट। ये 20 rupees का है, कंपेयर करा जाए अगर हम रेड बुल से या मॉन्स्टर एनर्जी से तो वो आते हैं अराउंड 90 अबव के, वो एक्सपेंसिव है। रेड बुल का एक छोटा भी आता है वो आई गेस 60-70 के आसपास का होता है, बट वो अब शायद मिलता नहीं, बट पहले आया करता था, बीच में लॉन्च करा था। बट कोई फायदा नहीं जब तक आप एक सेड अमाउंट या एक जो राइट अमाउंट है आपकी बॉडी के लिए उतना एनर्जी ड्रिंक नहीं पीते तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ एनर्जी ड्रिंक क्यों पिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि एनर्जी ड्रिंक पिया जाता है फोकस करने के लिए। एक मिथ है यहाँ पर कि एनर्जी ड्रिंक लोग इसलिए पीते हैं कि उससे एनर्जी आती है। यस, एनर्जी आती है, बट ऐसा नहीं है 100% कि आप एनर्जी ड्रिंक पियोगे और जिम जाओगे तो जहां आप 5 kilo का डंबल उठाते हो वहां 15 kilo का उठाने लगोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये एक गलत चीज है जो लोगों को लगता है कि ऐसा होता है। तीन चीजें हैं जो बहुत फेमस होती हैं जिम में, जो ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं और बंदे यूज भी करते हैं, जिसमें से एक प्रोटीन होता है, एक BCAA होता है, और तीसरा होता है प्री वर्कआउट। सो अभी बाकी दो को छोड़ देते हैं और प्री वर्कआउट्स की बात करते हैं। सो बेसिकली जो प्री वर्कआउट होता है वो एक हाई कैफीन पाउडर होता है और उसमें LRG9 और ये सब मिले कॉम्पोनेंट, केमिकल कॉम्पोनेंट्स मिले होते हैं जो आपकी बॉडी को ना पंप देते हैं, LRG9 और ये सब पंप देते हैं। और जो कैफीन होती है, कैफीन क्या करती है, जब आप कॉफी पीते हो सुबह उठ के आप एकदम से ऐसा फील करते हो कि ठीक है मैं फ्रेश हूं। सो जो कैफीन का काम होता है वो ये होता है कि वो आपको हेल्प करता है फोकस करने में। तो जो प्री वर्कआउट होता है, प्री वर्कआउट भी का भी पर्पस ये होता है कि वो आपको हेल्प करता है फोकस करने में। कि आप थके हुए हो, आप ऑफिस से आए हो बट आपको जिम जाना है, तो आप एक स्कूप अगर प्री वर्कआउट ले लेते हो या 1.5 स्कूप प्री वर्कआउट ले लेते हो, आपके प्री वर्कआउट पर डिपेंड करता है उसकी डोसेज क्या है, तो उसके बाद आप थकान फील नहीं करते, आप फोकस तरीके से काम कर ले, आप जिम में एक्सरसाइज कर लेते हो। अब जो ऑफिस नहीं जाते वो भी प्री वर्कआउट यूज करते हैं, वो बेसिकली इसलिए करते हैं कि जहां पे वो 40 मिनट की एक्सरसाइज या 45 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं प्री वर्कआउट पीने के बाद, उसको 1.5 घंटा या 1.5 घंटा तक स्ट्रेच कर सकते हैं। जहां वो 10 reps का एक सेट मारते हैं वहां वो 14 reps का एक सेट मार सकते हैं। प्री वर्कआउट का काम होता है फोकस करना। ऐसा नहीं है कि आप 5 kilo का डंबल उठा रहे हो तो आप 15 kilo का उठा लोगे, ऐसा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि उससे पावर नहीं आती, आती है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं आती कि आप डबल द उस पर चले जाओगे, वेट पे चले जाओगे। आप 5 उठाते हो आप 7.5 पे आ जाओगे, ऐसे धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। अब आते हैं इस प्रोडक्ट के बाद पे। सो इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें लिखा हुआ है कंटेन कैफीन, हाई कैफीन, और 72 mg पर सर्व। पर सर्व का क्या मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि 20 rupees का 250 ml है और 250 ml इज पर सर्व, पर सर्व इज 250 ml। तो मतलब अगर हम दोनों बातों को मिलाएं तो जो यहां पे लिखा है कि 75 mg पर सर्व और यहां पे लिखा हुआ है हमारा कि पर सर्व ही 250 ml है और ये बॉटल भी 250 ml की है, तो दैट मीन्स जो 75 mg इसमें कैफीन मिलेगा वो आपको इसको पूरी पीने पे मिलेगा। कभी कभार ऐसा भी लिखा होता है कि 75 mg पर 100 ग्राम,
और बॉटल उतनी नहीं होती, ड्रिंक उतनी नहीं होती. एनीवेज ये तो होगी काफी इन डेप्थ नॉलेज. सो टाइम ना मिस करते, इसको ओपन करते हैं. काफी हैंडी सी है, मतलब मुझे ये काफी अच्छी लगी. बट मैं आपको पहले ही बता दूं, एनर्जी ड्रिंक्स का ना फ्लेवर बहुत गंदा होता है. मतलब अगर आप पहली बार पी रहे हो तो आपको ये नहीं अच्छी लगेगी. मैं आपको बताता हूँ आप किससे रिलेट कर पाओगे. डीगो टोटल पिएगा अगर आपने ना, तो बिल्कुल कफ सिरप जैसा टेस्ट होता है. पर जो प्री वर्कआउट पाउडर वाले होते हैं वो फ्लेवर्ड होते हैं, वो थोड़े से चल जाते हैं, वो काफी स्वीट भी होते हैं. बट ये जो रेड वाले आते हैं ना, मतलब ये रेड बॉल, मॉन्स्टर एनर्जी एंड द स्टिंग, इसके भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ये बिल्कुल कफ सिरप जैसे होते हैं. तो इसको ओपन करके देखते हैं. और ये कार्बोनेटेड ही होते हैं भाई, इसमें सोडा होता है. इसको ऐसा मत समझना कि ये बिल्कुल ही वाटर बेस्ड होंगे, इसमें सोडा मिला होता है. तो इसको ओपन करते हैं. ठीक है, आपने वो फिज फिज का आवाज सुन ली होगी. ये एकदम से इसमें बबल्स पॉप करने लग गए और यहाँ तक कि मुझे चेरी ऐसी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई है. वो स्टार्टिंग में चेरी लगती है, बट जब आप पियोगे तब आपको पता चलेगा वो चेरी नहीं होती. ओके, ओह यस, इट स्मेल्स सो गुड. मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने पी रखी है. मुझे ठीक लगता है, जब मैं जिम जाता था तो मैं कभी कभार रेडबुल पी लेता था, जिससे काफी हेल्प मिलती है, रेडबुल से मिलती है काफी हेल्प. इसको टेस्ट करके देखते हैं. ओह दिस इज नाइस. This is better than Bull, really. मतलब इस price point पे ये आपको cough syrup कम, cherry flavor ज़्यादा दे रहा है. This is really nice. अब ऐसा क्यों है, इसमें कहीं लिखा है कि इन्होंने fruits use कर? यहाँ पर लिखा हुआ है added flavor natural identical flavoring substances. Okay, इन्होंने इसमें natural, इसमें इन्होंने फ्लेवर यूज करे हैं इक्विवेलेंट टू नेचुरल फ्लेवर्स. तो ये चेरी फ्लेवर का है, विच इज रियली गुड. मतलब ये ड्रिंकेबल है, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं पी सकते. दिस इज लिटरली टेस्टी मैन. माइंड ब्लोइंग. अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप प्री वर्कआउट या फिर कैफीन प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बेस्ट होता है कि आप कॉफ़ी यूज़ करें. वो थोड़ी ज़्यादा हेल्दी होती है कंपेयर टू दीज प्रोडक्ट. बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो मुझे तो ये भाई बहुत सही अल्टरनेटिव लग रहा है इस प्राइस पॉइंट पे. 75 mg आप दो पी सकते हैं, 72 mg आप दो पी सकते हैं. आपके पास कैफीन काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में आ जाएगी, आधा लीटर अगर आप पीते हैं. मतलब आप इसको तोड़ तोड़ के पी सकते हैं. लाइक आप जिम में जाने से 20 मिनट पहले आप इसे एक बॉटल पी सकते हैं और अपने सिपर में डाल के रख सकते हैं, ताकि आप ड्यूरिंग वर्कआउट पियो, ताकि वो थोड़ा सा मेंटेन रहे कैफीन स्पाइक आपकी बॉडी में. नॉट बैड, दिस इज रियली गुड. तो इसमें लिखा है बेस्ट बिफोर 4 months फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग. यस दैट इज ट्रू. जो ये एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं ये जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं. एक्सपायर तो नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें एक्सपायर नहीं लिखा है, बेस्ट बिफोर लिखा है. एक्सपायर और बेस्ट बिफोर का फर्क ये होता है कि जहां पर एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद उस प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, वो हार्मफुल होता है. आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, जैसे कि मेडिसिन में बेस्ट बिफोर नहीं होता है, मेडिसिन में एक्सपायरी डेट होती है. कंज्यूमेबल्स मोस्टली जितने पैक प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती, बेस्ट बिफोर होता है. उसका मतलब ये होता है कि 4 महीने, जैसे अगर इसकी बात करूं तो 4 महीने तक मैन्युफैक्चरिंग तक ये आपको ऑलमोस्ट सेम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है देगा. 4 महीने के बाद 19-20 हो सकता है. तो बेस्ट बिफोर का मतलब यही है कि आप उसको उसी टाइम में कंज्यूम करें. बट दिस इज रियली गुड. आइए इसे देते हैं फूड रिपोर्ट. टेस्ट 4 out of 5, प्राइस 4.5 out of 5, न्यूट्रिशनल वैल्यू मुझे पर्सनली पसंद आई, कैफीन 72 mg पर सर्व है, 4 out of 5, फ्लेवर 4 out of 5. पैकेजिंग हो गई क्या? अगर हो गई, नहीं हुई तो जितना ये हैंडी है, इट्स 4 out of 5. ओवरऑल इट्स 4 out of 5. बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे ये, क्योंकि रेड बुल पे जाने के लिए आपको 90 रुपए के आसपास खर्च करने पड़ेंगे. शायद 115 का हो गया, मेरे को याद नहीं, मैंने बहुत टाइम से पिया नहीं. और इस पे जाने के लिए 20 रुपए खर्च करने हैं. ये तो अभी ठंडा नहीं है, बट आई एम 100% श्योर ये ठंडा बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट एनर्जी ड्रिंक कौन सा है और
आप जब जिम हिट करते हैं तो क्या आप प्री वर्कआउट लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक यूज करते हैं, या आप नेचुरल कॉफी पे जाते हैं, या वो भी यूज नहीं करते? सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।